नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पारमेसी ज्ञान चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि केतु पर्वत से निकली भाग रेखा आपके भाग को कैसे चमकाती है और आपके काम को या आपके बिजनेस में तरक्की कैसे दिलाती है, और केतु पर्वत पर बना ये मछली का साइन आपको धार्मिक और आध्यात्मिक कैसे बनाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो कृपया आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आइए अपने हाथ की तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहली ये हमारी जीवन रेखा। जीवन रेखा हमारे जीवन के होने वाले लाइफ में एक एक घटनाक्रम के बारे में बताती है। ये हमारी मस्तिष्क रेखा। हम किसी बात को कितना एक्सप्लेन करते हैं, हम किसी विचारों में कितना जाते हैं, कितनी गहराइयों में जाते हैं, उसके बारे में बताती है। ये हमारी हृदय रेखा है। हृदय रेखा हमारे दिल के बारे में बताती है। हमारा इमोशनल प्यार किसके साथ कितना है, उसके अटैचमेंट के बारे में बताती है। तो सबसे पहले हम केतु के पर्वत से निकली भाग रेखा, ये केतु का क्षेत्र है। केतु के क्षेत्र से शनि के पर्वत पर पहुंचने वाली भाग रेखा आपके भाग के बढ़ोतरी के बारे में बताती है, आपके प्रबलता के बारे में बताती है, आपके लक्ष्य के बारे में बताती है। इसी के साथ हस्त रेखा में पर्वतों का उन्नत का होना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। ये गुरु का पर्वत उठा होना चाहिए, ये सूर्य का पर्वत उठा होना चाहिए। इन पर्वतों का जितना विस्तार होगा उतना जीवन में होने वाली चीजें हमें बड़ी आसानी पूर्वक मिल जाएगी। जीवन में वो सारी चीजें हमें मिलेगी क्योंकि ग्रहों की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, पावर बढ़ जाती है। ये बुध का पर्वत है, ये चंद्रमा का पर्वत है, ये शुक्र का पर्वत है। ये पर्वतों के पावर के बारे में बताते हैं कि कितना आपका जो भाग्य है कितना प्रबल है। रेखाएं तो ये संयोग है, ये पर्वतों का भी काफी योग होता है। रेखाएं मन के विचारों को और आपके भाग के बारे में बताती है। तभी तो हस्त रेखा में कहते हैं कि अपने हाथ की लकीरों में देखा जाता है अपना फल। अब यहां पर केतु का एक साइन, ये फिश का साइन कैसे आपके भाग को पर्वत बना रही है। ये फिश की साइन, फिश की साइन हमेशा प्रॉपर बनी चाहिए, होनी चाहिए। अगर ये प्रॉपर साइन आपके हाथ में है तो आपके भाग में बढ़ोतरी जहां पे कर रही है वहीं पे आपके आध्यात्मिक की तरफ लेके जा रही है, आपको एक बड़े स्तर तक लेके जाएगी, धार्मिक में और आध्यात्मिक से जोड़ देती है। वैसे ऐसे लोग जो जीवन में होते हैं ना, काफी तरक्कियां करते हैं, आध्यात्मिक की तरफ इनका ज्यादा रुझान होता है। जिंदगी में ये चीजें जो होते हैं ना, धार्मिक की तरफ लोगों का परोपकार करते हैं, लोगों की सहायता करके इनको काफी आनंद आता है। ऐसे लोग जिंदगी में संघर्ष तो अवश्य करते हैं लेकिन इनको हर सफलता इनको साथ मिलती है, और ये जिंदगी में एक शहर से दूसरे शहर के आवागमन के बारे में बताती है ये फिश की साइन। और ये जिस भी पर्वत की तरफ इसका फिश की साइन का मुंह होगा, उस क्षेत्र से इनको जुड़े हुए कारोबार में या व्यवसाय में अपार सफलता दिलाती है। अब ये फिश की साइन शनि के पर्वत की तरफ, शनि की पर्वत जिसको कहते हैं हमारी भाग रेखा, भाग ही हमारा प्रबल है, और उसके साथ ग्रहों की पावर मिल जाने से भाग में चार चांद लग जाता है। अब जिंदगी में हर ऊंचाइयां इनको मिलेगी अपनी मेहनत के आधार पर, अपने कर्म के आधार पर। ऐसे लोगों को कर्म और मेहनत अगर दोनों अपने दिमाग से चलते हैं तो जिंदगी में इनको अवश्य सफलता मिलती है और इनको मोक्ष भी मिला देती है। अब यहां पर एक साइन है, ये फिश की साइन,
फिसकी साइन यहां पैसे से कोई लेना देना नहीं है, यहां आध्यात्मिक की तरफ, ज्ञान की तरफ। ऐसे लोग काफी धार्मिक होते हैं, ऐसे लोगों का जो ज्ञान होता है ना, ये दूसरों को इतना इनके पास डीपली ज्ञान होता है, अगर किसी को समझाते तो समझ नहीं लगती है, पर आध्यात्मिक इनके अंदर ज्ञान जो होता है ना, कूट कूट के भरा होता है। इसी के साथ अगर ज्ञान की बात करते हैं तो ये एक सूर्य, ये हमारी सूर्य की फिंगर है। सूर्य की फिंगर अगर हमारी सन के पहले पर्व से बड़ी है तो इसका मतलब जो आपका शक्ति है, आपके जो सोचने और समझने की शक्ति काफी प्रबल है। आप एक हिम्मती स्वभाव वाले व्यक्ति हैं, जिंदगी में हर चीजें आपको मिल जाएगी। आप जिस भी लक्ष्य की तरफ आप बढ़ेंगे, सफलता आपके कदम चूमेगी। यहां पर एक ज्ञान रेखा, ये ज्ञान रेखा है, ये ज्ञान रेखा दूसरों को समझाने का काम करती है। दूसरों को, इनके पास इतना ज्ञान होता है कि इनका ज्ञान जो होता है ना, दूसरों को समझाने का काम करता है। लेकिन यही ज्ञान अगर इसके दो लाइनें यहां पर हो तो इनके अंदर थोड़ी सी नेगेटिव भावना होती है, ये फिर अपने इनके अंदर अहंकार की भावना भर देती है। एक ज्ञान की रेखा समझाने का, दूसरा अहंकार का काम कर देती है। तो मेरा जो मेन उद्देश्य था इस केतु पर्वत पर फिस की साइन का, ऐसे लोग एक शहर से दूसरे शहर में व्यापार करके या एक दूसरे शहर से बिजनेस करके जिंदगी में अवश्य तरक्कियां पाते हैं। ऐसे लोगों को पानी के आसपास थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जिंदगी में एक बार पानी में अवश्य डूबते हैं और अपने यार दोस्त या मित्रों के द्वारा ये बचा भी लिए जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं जिंदगी में, वो हर तरक्कियां भी पाते हैं जिसको इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, वो भी तरक्की इनको मिल जाती है। और यहां पर ये फिश साइन, इस हमारे सन के बाउंड पर एक फिश का साइन, ये फिश की साइन के हर इंसान को वो सफलता मिलती है, हर वो तरक्की मिलती है जो इनको कभी गहरे गहरे से और आध्यात्मिक के तौर पर। और ये ऐसे लोग जो होते हैं ना, हर सफलताओं के मालिक बनते हैं, जिंदगी में हर सुख सुविधा इनको प्राप्त होती है और पैसों का इनके पास कभी कमी नहीं होती। जैसे यहां पर केतु के पर्वत हाथ कभी भी ऐसे लोगों का तंग नहीं होता जो केतु के पर्वत पे फिस का साइन है। और यहाँ पे सूर्य के पर्वत के ऊपर अगर ये फिस साइन बनता है, ऐसे लोग जीवन में अपार सफलताएं पाते हैं। तो दोस्तों, ये रही आज की हमारी वीडियो। ये वीडियो आपका पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।